दोस्तों, मेरा नाम विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी जैन 2003 मॉडल है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग की। चला के देखेंगे इसको भी, इसका भी एक अलग ही दौर था और शानदार गाड़ी रही है ये भी एक ज़माने में। तो किस तरह से क्या ड्राइव कर रही है और कोई सेकेंड हैंड में जाना चाहे तो किस तरह से क्या परफॉर्मेंस दे रही है, आज की टाइम में इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए सेकेंड हैंड में, वो सारी बातें करेंगे। और किस तरह से क्या चल रही है गाड़ी वो भी देखेंगे। जैन VXi है दोस्तों ये, एसी आपको मैं जल्दी से, ये देखिए आप, काफ़ी ज़बरदस्त और सही लग रहे हैं। ये सबसे इससे थोड़ा सा पहले वाला मॉडल है और इसके जो बाद में आया था एक और नेक्स्ट जनरेशन जो इसकी जैन थी वो थोड़ा सा और लाइटिंग में अच्छा कर दिया था। ये पुराना वाला मॉडल है इससे, तो थोड़ा सा वो दिखने में थोड़ा बढ़िया लगता था, आप उस पर भी जा सकते हैं। और काफ़ी देख सकते हैं ये, तो इसका तो रंग उड़ता ही उड़ता है इसमें, मैंने और भी जैन में देखा था तो काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो एक ही चीज़ है। अब इस साइड से बात कर लेते हैं, तो इस साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। काफ़ी सही और काफ़ी बड़ी गाड़ी लगती है ये, लग्जरी टाइप में, और सीटिंग काफ़ी नीचे है इसकी, वो भी उसकी भी बात करेंगे। अगर टायर साइज़ की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं आप लोग इसमें R12 यानी 12 इंच का आपको इसमें टायर मिल जाता है विदाउट अलॉय व्हील के साथ में, तो रिम वगैरह इसमें आपको मिल जाएगी। एंड ये देखिए आप, यहाँ से पीछे की तरफ आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा इसका फ्यूल टैंक का पेट्रोल भराने का, पीछे में रियर वाइपर मिल जाता है वॉशर के साथ में, ये देखिए आप उस टाइम पर भी। और गैस आपको इसमें अलग से लगवाई हुई है, अभी पेट्रोल पे है ये गाड़ी तो अभी गैस में इसमें रिफ़िल नहीं हो रखी है। तो ये देखिए आप, पूरी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सही लग रही है, और लाइटिंग्स वगैरह कुछ इस तरह की इसमें पीछे की तरफ दी गई है। तो गैस अगर लगाते हैं तो पूरी स्पेस इसमें रुक जाता है, तो इससे तो कोई मतलब भी नहीं है डिक्की दिखाने से आपको। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ, अंदर चलने से पहले एक बार इसका इंजन दिखा देते हैं आपको, चलिए खोल करके, तो किस तरह से क्या रह रहा वो भी एक बार आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इसको खोलते हैं, इसका इंजन तो कहाँ पे रहने वाला है, इसका नॉब वो देखना पड़ेगा। सो ये देखिए आप दोस्तों, कुछ इस तरह का इसका इंजन रहने वाला है, MPFI वाली ये गाड़ी है ये दोस्तों, ये देखिए आप, तो काफ़ी सही है और काफ़ी पसंद भी है मेरे को। पर इसके जो बाद वाला मॉडल है वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंजन तो यही है और काफ़ी सही चल रहा है। गाड़ी चल चुकी है 1,75,000, तो एक बार तो मीटर पूरा घूम चुका और 75,000 वापस से चल चुकी है। मैं मीटर में दिखाता हूँ आपको एक बार इसमें, तो फिर भी देखिए आप कितना ज़्यादा शानदार और सही चल रही है गाड़ी। इसको करते हैं बंद, तो पहले तो काफ़ी सही आती थी मारुति की क्वालिटी, अब थोड़ा सा आप इसको चेंज कर दिया है। और लाइटिंग भी देख सकते हैं आप लोग इसमें, पहले वो कांच वाली आती थी तो अब तो इसमें प्लास्टिक वगैरह की आने लग गई थी, उसके बाद में मिरर्स वगैरह की क्वालिटी भी मारुति 800 से सही दे रखी है इसमें उस टाइम पर। तो अब चलिए दोस्तों बैठते हैं इसमें और डोर दिखा देता हूँ। डोर पैनल पर आपको सबसे पहले पावर विंडो दी गई है इसमें, ये फ्रंट की दो स्पीकर्स में यहाँ पर लगाए हुए हैं अलग से, और लॉक का यहाँ पर दिया हुआ है 800 में यहाँ पे आता है, तो एक थोड़ा सा लग्जरी फील कराती थी उस टाइम पे भी। सीटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का दे रही है लुक। अब बैठते हैं इसमें अंदर की तरफ और बात करते हैं इसके और भी चीज़ों की। स्पीडोमीटर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह का इसमें आपको दिखाई दे रहा है। चाबी लगाते हैं यहाँ से और इसको करते हैं बैटरी पर, इसको करते हैं बंद। तो ये देखिए आप, बैटरी का साइन है और इंजन ऑयल चेक का साइन है, इंजन स्टार्ट का उसका चेक का साइन है, फ्यूल मीटर का है दे रखा आपको, कूल हॉट का, इंजन टेम्परेचर का है, ट्रिप मीटर यहाँ पे दिया हुआ है एक। और ये देखिए आप, 75,924 चली तो 1,00,000 पहले एक बार घूम चुकी है। और ये देखिए आप एसी, तो कुछ इस तरह का है इसमें आपको बीच वाला केबिन मिल जाता है, तो एसी भी आपको दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर थोड़ी सी एस्ट्रे वगैरह दी हुई है। एंड ये देखिए आप, यहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है। गेयर कुछ इस तरह का दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा बड़ा है, और चलो इसको भी डाल के देखेंगे किस तरह से डल रहा है। क्लच काफ़ी लाइट फील हो रहा है अभी तो, शायद आई थिंक चेंज हुआ हुआ है इसमें। चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ अलग से फिट करा दिया गया है, और रियर वाइपर वॉशर का देखिए आप, यहाँ कंट्रोल दिया हुआ है इसका, और नॉर्मल वाइपर का यहाँ पे दिया गया है। सो ये भी आप पूरे देख सकते हैं आप लोग अभी वर्किंग कंडीशन में, जैसे दबा रहे हैं तो ये चल रहा है आराम से। अब ये यहीं से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाता है, और वॉशर भी यहीं से काम करता है इसका, काफ़ी सही है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग एक सेल्फ में स्टार्ट है और गाड़ी के इंजन का साउंड सुनिए आप, बहुत कम साउंड आता है इसमें। MPFI से गाड़ी है, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है पूरी गाड़ी। पावर विंडो वगैरह अगर इसकी बात करें तो ये ड्राइवर साइड वाला नॉट वर्किंग कंडीशन में है, और इधर वाला ये वर्किंग कंडीशन में आपको मिल जाएगा, तो ये मोटर वगैरह तो ख़राब होती रहती हैं। अब मेन बात है इसके इंजन की, चला के देखेंगे अपन किस तरह से क्या वर्क कर रहा। फर्स्ट गियर डालते हैं सबसे पहले, तो अब देखते हैं। ये देखिए गाड़ी जो उठ रही है, साउंड बिल्कुल भी नहीं इंजन में। अब आपको थोड़ा सा रेस देके देखते हैं,
फर्स्ट गियर 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप जान देखिए गाड़ी में कितना स्मूथली जा रही है। सेकंड गियर 75 तक तो यही चल गई, अपन ने बेलनो भगाई थी अभी। तो आप देखिए 1000 सीसी का इंजन है ये और कितना ज़बरदस्त काम कर रहा। ब्रेकिंग भी पावर डिस्क ब्रेक है इसमें, तो 800 से काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग लगती है इसमें उसके मुकाबले। तो अभी भी लपक आ रही है गाड़ी में, ये देखिए आप, काफ़ी सही है, काफ़ी सही चल रही है गाड़ी। देखिए अच्छी चीज़ है, पावरफुल इंजन है इसका अभी भी। तो ये मेरे को सीटिंग वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त लगती है इसके, तो सीटिंग काफ़ी नीचे की तरफ आती है इसमें, तो वो सही है। एसी भी इसका जैसा आगे देख लेते हैं एक बार, अपन ने ऑन कर दिया। तो ये भी वर्किंग कंडीशन देखिए आप, ठंडी हवा फेंकने भी लग गया ये, और गियर वगैरह भी काफ़ी स्मूथली आ रहे हैं इसमें। तो आप एक ऑप्शन अच्छा है, ले सकते हैं आप जैन वगैरह अगर आपको एसी मिल रही है तो, और काफ़ी सस्ते में मिल जाती है आजकल तो आपको 50,000, 60,000, 70,000 रुपये में, 80,000 रुपये मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाती है। अंडर मतलब 1 लाख के अंडर में आपको जैन मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में, वो भी 5, 6 या 7 मॉडल मिल जाएगा, मतलब 4, 5 या 6 मॉडल। ये देखिए आप ब्रेकर पे से भी निकल रहे हैं, तो थोड़े बहुत आपको नॉइज़ सुनेगी क्योंकि वो गैस जो किट लगा रखी है वो उसका कुछ नॉइज़ कर रहा है, आई थिंक सस्पेंशन की आवाज़ नहीं है ये। और बाकी देखिए कोई इंजन से नॉइज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब यहाँ से अपन टर्न लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा चला के देखेंगे वापस से, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि अपन ने इसको चला के नहीं देखा, थोड़ा भगा के नहीं देखा, इसलिए आपको अंदाज़ा भी नहीं हो पाएगा। और ले सकते हैं मतलब यार अगर 2001 मॉडल या 3 मॉडल भी आपको अच्छी कंडीशन मिल रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई चेंज उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। जो उसकी विजिबिलिटी है, जो उसकी सीटिंग पोजिशन है, मेंटेनेंस है, कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है और एकदम एक नंबर गाड़ी है ये। यहाँ से टर्न ले लेते हैं, चलिए ये देखिए आप, टर्न लिया मैंने, काफ़ी लाइट स्टेयरिंग है इसका दोस्तों। सेकंड गियर में अभी उठा रहा हूँ मैं, तो इजीली उठ रही है, कोई इंजन नॉइज़ नहीं है, ठीक है। और अब चला के देखते हैं इसको थोड़ा सा एक्सीलेट करके, ये देखिए आप इतना खींचने के बाद में ये इंजन नॉइज़ आ रही है, इसमें कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं आ रही है। ब्रेकिंग काफ़ी सही लग रही है गाड़ी में, एक अच्छी चीज़ है। एक आपको एक ऑप्शन अगर मिल रहा है ऐसा तो आप ले लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसी गाड़ी आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और कम बजट में काफ़ी लग्जरी गाड़ी है। किसी को मॉडिफाई करनी हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहता है ये, 800 से बेटर है। और चिल्ड कर दिया, देख सकते हैं आप लोग इसमें एसी ने अच्छा खासा इसने चिल्ड कर दिया है, परफेक्टली काम कर रहा है ये एसी इसका, ऑन वगैरह भी सब एज इट इज़ काम कर रहे हैं। पावर विंडो वगैरह जो नहीं कर रहे हैं वो आप करवा सकते हैं, आई थिंक इतनी पुरानी हो चुकी है तो मोटर वगैरह आई थिंक शायद ख़राब हो गई हो उसकी, तो वो आपके ऊपर रहता है। ब्रेकिंग काफ़ी सही लग रही है गाड़ी में, ब्रेकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा वापस एक्सलेट करके देखते हैं सेकंड गियर में दोस्तों गाड़ी, ये देखिए आप पूरी रेस देखे देखते हैं कितना जाती है, देखते हैं बेलनो 80 करी 80-85 जाती है, 1000 सीसी इंजन देखते हैं कितना जाता है। नाइन्टी तो ये चल गया दोस्तों 1000 सीसी का इंजन, सेकेंड गियर में गाड़ी थी देख सकते हैं आप लोग इसमें, ये होती पहले की मारुति, और आपकी मारुति देखिए आप बिल्ड क्वालिटी में भी बेटर थी, मेरे को थर्ड गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ी और गाड़ी चल गई 90 और अभी भी जा ही जा रही थी, एक नंबर गाड़ी आती है जैन सिविक। सो ये काफ़ी सही है दोस्तों, परफॉर्मेंस आपने देख ही ली सेकंड गियर में किस तरह से चल रही है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि थर्ड गियर और फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर जब मैं डालूँगा तो उसके बाद में क्या परफॉर्मेंस रहेगी इसकी। ऐसा नहीं गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, काफ़ी शानदार है, ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है शर्मा जी ब्लॉग्स को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में,